हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माया कुकिंग पैशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ लौकी की डंठल की रेसिपी। तो ये डंठल हम मार्केट से नहीं खरीदे हैं, हम अपने खेत से लाए हैं, लेकिन ये मार्केट में भी मिल जाता है। जब लौकी लगना बंद हो जाता है पेड़ में, तो हम इसके डंठल के ऊपरी वाले भाग को, सिर्फ ऊपरी वाले भाग को हम काट कर इसका सब्जी बनाते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम इसको कैसे काट रहे हैं। इसके पत्ते को हम अलग कर लेंगे। इसके डंठल को काट के अब इसमें से साइड साइड वाले छिलका को हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे लौकी के डंठल को काट के इसके छिलका को हम निकाल लेंगे और पत्ता को दिखा दे रहे हैं। जो पत्ता हम काट कर रखे हैं, इस पत्ते को भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए, पत्ते को भी हम साफ करके इसको हम दो तीन टुकड़ों में पत्ते को भी काट लेंगे। इसी तरह हम सारे लौकी के डंठल को और पत्ते को हम काट लेंगे। हम सारे लौकी के डंठल को काट कर और तीन चार पानी अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब सब्जी के मसाले के लिए हम यहाँ लहसुन, हरी मिर्च और सरसों का पेस्ट बना लिए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और तड़का के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मेथी और एक लाल मिर्च ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें हम दो चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब उसमें हम तड़का के लिए जो मेथी रखे थे उसको डालेंगे और सूखी लाल मिर्च को दो टुकड़ा में करके डाल देंगे और इसे अब इसको अब कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तड़का का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम काटे हुए लौकी के डंठल को भी डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक भून लेंगे। देखिए, इसको 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि सब्जी गल जाता है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे भूनना है। देखिए, लौकी के डंठल के साथ साथ मसाला भी भुना गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम सब्जी के बराबर एकदम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसको हम चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम अब चेक करते हैं। देखिए, हमारी सब्जी एकदम से पक गई है। अब इसे थोड़ा सा और हम सुखा लेंगे। अब हमारी सब्जी एकदम से तैयार हो गई है। तो दोस्तों, हमारी ये लौकी की डंठल की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।